आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉपर छात्र को डायरेक्टर सर के द्वारा एचपी का लैपटॉप गिफ्ट किया जा रहा है और गुरुकुल साइंस एकेडमी के डायरेक्टर प्रेम सर और अभिभावक जो आकाश के पिताजी हैं और एक सर उधर और आकाश जो खुद टॉपर है उन्हें लैपटॉप गिफ्ट किया जा रहा है गुरुकुल साइंस एकेडमी के डायरेक्टर प्रेम सर के द्वारा। अभी आपको लग रहा होगा कि हम पटना में है या फिर दरभंगा या फिर मधुबनी में, खासकर ये डिजिटल स्क्रीन बोर्ड देखकर, लेकिन बिल्कुल गलत। ये अब ग्रामीण क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलेगा। कल जिस तरह से इंटरमीडिएट रिजल्ट आया और आज जब जिला टॉपर का इंटरव्यू करने के लिए आए ग्रामीण क्षेत्र में गुरुकुल साइंस एकेडमी जो बासोपट्टी में है, और यहाँ पर जब मैं क्लासरूम में एंट्री किया तो देखे कि हर एक क्लासरूम में डिजिटल स्क्रीन बोर्ड लगा हुआ है छात्र छात्राओं के लिए। हमारे साथ मधुबनी जिला टॉपर रैंक तीसरा आकाश कुमार जो गुरुकुल साइंस एकेडमी का छात्र है, और हमारे साथ इस संस्था के डायरेक्टर और आकाश के पिता, तो कहीं ना कहीं गौरवान्वित ये पल है इस क्षेत्र के लिए। जिला टॉपर हमारे साथ आकाश है, आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आप जिला टॉपर बने, क्या कहेंगे खासकर गुरुकुल साइंस एकेडमी के बारे में जो ग्रामीण क्षेत्र में बेस्ट एजुकेशन दिया और आज आपका सर्वश्रेष्ठ अंक आया है। सबसे पहली बात तो प्रेम सर और जितने भी टीचर्स हैं सब उन्होंने अच्छे से सपोर्ट करा था, और यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में होने से कोई बात नहीं है, टीचर में क्वालिटी होनी चाहिए जो यहाँ के टीचर में मुझे काफ़ी हद तक दिखी। और सर हमेशा केयर करते थे स्टूडेंट्स का कि इस तरीके से डायरेक्शन दिखाते थे और डिफरेंट डिफरेंट वेज में जैसे 3D इमेजिन करवाते थे बहुत चीज़ों को, और फिर लैब रहा, लाइब्रेरी रहा, तो बहुत चीज़ों यहाँ से बहुत सारी हेल्प मिलती थी। गांव का लड़का जिला टॉपर कैसे बन गया? पहले तो जो लड़का पटना दरभंगा मुजफ्फरपुर या फिर मधुबनी में पढ़ाई करते थे वही जिला टॉपर बनता था, लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्र में गुरुकुल साइंस एकेडमी पढ़ाई किए और आज जिला टॉपर बनके हमारे साथ हैं। पहला फैक्टर हुआ कि टीचर्स का, टीचर अगर सही तरीके से कॉन्सेप्ट बताएं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि टॉप कट करना, बस वहाँ पे रहता है कि टीचर जितना पढ़ाएं उसको सही से पढ़ना खुद से घर पे और जितना हद तक हो सके उसको रिवाइज करते रहना। परफेक्ट। यहाँ पर सभी क्लासरूम में डिजिटल स्क्रीन बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड से क्या फायदा होता है खासकर छात्र छात्राओं को ये बताएं। सबसे बड़ी बात हुई कि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ या विजुअलाइजेशन हुआ जो हम सोच नहीं सकते या बहुत कठिन होता है, तो उसके लिए विजुअलाइजेशन के लिए बहुत सारी हेल्प वहाँ से हो जाती थी, और जो क्लास छूट जाता था उसके लिए वहाँ पे क्या कहते हैं सर, यूट्यूब पे अपने गुरुकुल वाला यूट्यूब चैनल पे वो अपलोड कर देते थे, वहाँ से बच्चों को हेल्प मिल जाती थी। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी साइंस सब्जेक्ट का बेस्ट सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिया जाता है। हाँ जी। तो क्या कहेंगे अपने सभी गुरु को जो आपको आज इस काबिल बनाया और आज आप जिला टॉप पर है, गुरुकुल साइंस एकेडमी के सभी टीचर को क्या कहना चाहेंगे आप? सर बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प किए, जब हेल्प चाहते थे चाहे सिलेबस हो, आउट ऑफ सिलेबस हो, और जिस तरीके की भी हेल्प हो, सर हमेशा तैयार रहते थे, इवन कॉल भी कर सर बोलते थे कि अगर एक्स्ट्रा टाइम अगर और भी डाउट बच जाए तो कॉल भी कर लेना, तो बहुत तरीके से सर हेल्प करते थे। VIP सुविधा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि VIP पेमेंट भी लिया जाता हो छात्र छात्राओं से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई VIP पेमेंट नहीं, सबके लिए एकदम सेम ही है। तो अब हमारे साथ यहाँ पर देख सकते हैं गुरुकुल साइंस एकेडमी के डायरेक्टर प्रेम सर है। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, ग्रामीण क्षेत्र में आप परचम लगा दिए राजधानी तक। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि सर इतने दूर से आके ग्रामीण इलाका में आप जो अभी न्यूज बना रहे हैं, ये न्यूज आपको गांव-गांव तक जाएगा तो बच्चे गांव-गांव न्यूज चैनल पे अपने बाहर न जाके अपने लोकल इलाका में भी ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हमें बेहतर शिक्षा देने के साथ साथ टॉपर बनाया जा सकता है। किस तरह से आप बच्चों को मोटिवेट करते हैं, खासकर कमजोर छात्र छात्राओं को किस तरह से गाइड करते हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ अंक लाते हैं? सर बच्चे में तो हम लोग काबिलियत खोजते हैं, नहीं होता है तो डेवलप करते हैं। अच्छा, वो काबिलियत कैसे पैदा करना है वो हम लोग जानते हैं, क्योंकि आज से नहीं लगभग 10 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं, 17 में हम लोग स्टार्ट किए थे, उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं अपना भी एक्सपीरियंस बढ़ते जा रहा है कि बच्चों को कैसे पकड़ना, कौन बच्चा टॉप करने लायक है, कौन बच्चा इस लेवल का है, तो उसमें से बहुत सारे हम लोग लास्ट में छांट के उसको टेस्ट लेके अलग अलग लेवल का टेस्ट लेते हैं, अलग अलग तरीके से उसको हम लोग गाइड करते हैं, और साथ में लास्ट में क्या होता है पता चल जाता है कि किसका क्या लेवल है। पटना दरभंगा मधुबनी बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर है जहाँ पर अभी तक डिजिटल स्क्रीन बोर्ड की सुविधा नहीं है, लेकिन आप इतने कम बजट में ग्रामीण क्षेत्र में कैसे लगा दिए डिजिटल स्क्रीन बोर्ड छात्र छात्राओं के लिए? सर हम लोग गरीब परिवार से आते हैं, हमने भी पटना पढ़ा, कोटा पढ़ा, तो उसमें क्या इन्वेस्ट होता है, कितना खर्च होता है, गार्जियन का बच्चे के साथ क्या परेशानी होती है, वो लोग हम झेल चुके हैं,
मतलब पटना कोटा जाने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो झेल चुके हैं। वही देखते हुए हम गार्जियन को थोड़ा सा ये बताना चाह रहे हैं कि आप ज्यादा प्रेशर ना लेके मिनिमम कॉस्ट में कम रेंज में आप पढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पढ़ा सकते हैं, और उससे बेहतर सुविधा हम लोग देने की कोशिश किए हैं और लगभग सफलता भी पाए हैं। अब जहाँ तक देख रहे हैं, अब इसी बच्चे को IIT का फॉर्म भरवाए होंगे, उस लेवल का तैयारी करवा रहे हैं, अगर कहीं समय अच्छा रहा तो वो भी क्रैक कर सकता है। गुरुकुल साइंस अकेडमी शोहरत सोहबत इज्जत बहुत पाली है, आप गरीबों के लिए क्या सुविधा देते हैं ऐसे छात्र छात्रा जो आर्थिक रूप से कमजोर हो? सर बात रही आर्थिक की, तो हम तो ऐसे गार्जियन को बोलना चाहेंगे आप खुद यहाँ तक चल के आए, आप खुद से बात, खुद आप मेरे से बात करें, और अगर आपके पास नहीं पढ़ाने का अगर कुछ लायक है तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाइए। जब बच्चे पढ़ लेंगे, पास कर लेंगे, कुछ बन जाएंगे, तब आप आके अपने हिसाब से मतलब कामयाब होइए, उसके बाद दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रेशर नहीं है कि अभी पेमेंट चाहिए तभी बच्चे को पढ़ाएं। पेमेंट का कोई लोकल इलाके में सारे गार्जियन जानते हैं, सारे गार्जियन से हम लोग रूबरू होते हैं रोज के रोज, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ना है पढ़ना है तो गार्जियन जाने के बाद टीचर से मुलाकात नहीं हो पाती है, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे है जैसे रोज मिलते हैं सर से, बहुत सारे गार्जियन जैसे हम रोज मिलते हैं, बातचीत होती रहती है कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, तो रोज जो मिलना होता है ना वही मोटिवेशन हमारे लिए भी बच्चों के मेन पॉजिटिव पॉइंट हो। आप कोटा में बच्चे को रख देंगे, गार्जियन जाएंगे तो टीचर से बात नहीं कर पाएंगे, ना टीचर से बात नहीं करेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे में क्या कमी है, क्या चल रहा नहीं चल रहा, नहीं पढ़ने लायक है तो थोड़ा सा कुछ और लाइन में लगाया जा सकता है, जरूर नहीं कि बच्चे को प्रेशर डाल के हम लोग उसमें घुसाएगा। आखिरी बार क्या कहेंगे आकाश के बारे में, किस तरह के छात्र थे आपके क्लास में और इनके ज्ञान से लग रहा था आपको कि वो जिला टॉपर बनेंगे? आकाश को हम लोग ऐसा नहीं पहला से पढ़ाया हुआ है, ज्ञान जितने पढ़ा हुआ है हमारा अपना बच्चा है, तो उसको तो हम लोग पहले से भली भांति जानते हैं, और टॉपर बनने लायक था उसको हिसाब से हम मोटिवेट किए हैं, उस पर मेहनत किए हैं, गार्जियन का सपोर्ट रहा, बच्चे का पूरा सपोर्ट रहा, तो उस हिसाब से हम मैनेज करके उस लेवल पर लेके आए। आकाश पे कितना विश्वास था आपको आकाश के पिताजी कि मेरा लड़का जिला टॉपर बनेगा, बासोपट्टी में पढ़ाई करके? विश्वास तो था लेकिन जब देख रहे हैं फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है, और मीडिया बंधु सबसे पहली बात है कि मीडिया बंधु और मीडिया के सामने हम जाएंगे कभी बोल पाएंगे, जिस फैमिली से हम लोग हैं निम्न वर्गीय से, तो हमें हमारे लिए सपना से कम नहीं है, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आकाश पढ़ाई लिखाई में बचपन से कैसा था? बचपन से तो इसका जुझारू बना था, और बचपन में जब ये 3-4 साल का था तब भी ये 2 बजे रात में उठ करके बुक पढ़ रहा है, वो तो कहाँ गया, मेरा ट्विंस है जुड़वा बच्चा है, और एक अमन है जो कॉमर्स साइड से था 420 नंबर लाया है इसी साल, तो एक सोया हुआ है और एक जो है सो कहाँ गैप है, तो उसको बड़ा मेहनत से खोजते थे चुपकी तर में कहीं कहीं कहीं, अरे क्या कर रहे हो सर जी, टास्क दिए हुए हैं हमको, टास्क दे दिए हैं सर, टास्क हम बना रहे हैं, अरे 2 बजे रात में तुम बना रहे हो, हाँ कल मारेंगे हमको। ये 3-4 साल में ही इसका प्रतिभा दिख गया था कि ये कहीं कुछ करेगा अच्छा। गुरुकुल साइंस अकेडमी के सभी टीचर आपसे किस तरह से संपर्क में थे और आपके बच्चों की कमजोरी ताकत के बारे में बात कर रहे थे आपसे? बराबर हम लोग संपर्क में रहते थे, और सारे गार्जियन को भी हम ये कहेंगे कि टीचर से आप संपर्क में रहेंगे तो कोई जरूरी नहीं है बाहर जाने का, कोई जरूरी नहीं है बाहर जाने का, यहाँ पर हर चीज का सुविधा है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, डिजिटल स्क्रीन, गोल्ड स्क्रीन है, VIP सुविधा छात्र छात्राओं के लिए। ये तो पहली बार देख रहे हैं देहात में भी इतना सुविधा हो सकता है, ये पहली बार देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में खासो दूर हम लोग देहात में हैं, और इतना व्यवस्था और इतना टीचर हर हमेशा संपर्क में रहते हैं, और इनका तो जो है सो बचपन से ही ये विद्यार्थी है, बचपन से ज्ञान ज्योति में पढ़ाते थे, बहुत अच्छा जो है सो मतलब इनका रोल पहले से भी रहा, खास के आलोक जी को 10वां तक का जो रोल रहा ये कभी मेरे अपने बच्चे को भी कहूँगा कभी भूलना मत, ये कहीं भी नहीं मिल सकता है। सर सबसे पहले आपको भी बहुत-बहुत बधाई कि जिस पौधे को आप लगाए बहुत जल्द फल देना शुरू कर दिया है। सबसे पहले आपको धन्यवाद जो आपने चलकर यहाँ तक आया है जी। साथ ही हमारे जो छात्र हैं जो जिला टॉप में स्थान बनाए हैं आकाश कुमार, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए रिजल्ट देने में सबसे पहले स्टूडेंट्स का कठिन परिश्रम और साथ में शिक्षकों और अभिभावकों का मार्गदर्शन मायने रखता है, और जैसा कि हम लोगों ने मार्गदर्शन दिया और इन्होंने मेहनत किया तो इसके फलस्वरूप जिला में वह स्थान बना पाया है। आखिरी बार क्या कहेंगे उन छात्र छात्राओं को जो ग्रामीण क्षेत्र में है और अभी भी पढ़ाई के लिए अच्छे कोचिंग संस्था को सर्च करते रहते हैं? आप गुरुकुल में आए और उन बच्चों को चैलेंज दे जो बासोपट्टी से बाहर जाकर पटना कोटा जाता है, उन बच्चों को चैलेंज दे और उससे बेहतर करके यहाँ से दिखा दे, क्योंकि हमारे यहाँ व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या आप देख रहे हैं कि डिजिटल गोल्ड है पहला, दूसरा है कि हमारे यहाँ साइंस में लैब की व्यवस्था है, आपको जिला में कहीं भी लैब की व्यवस्था नहीं मिलेगी, हमारे यहाँ साइंस में लैब की व्यवस्था है, लाइब्रेरी आपको नहीं मिलेगी वो लाइब्रेरी की व्यवस्थाएं हैं, गार्डन साइंस में लैब की व्यवस्था है, हाँ गांव भर में आप
अभी आपको जाके दिखाता हूँ मैं बायो का अलग पार्ट्स, पूरे मानव का जितना पार्ट्स होता है ना सभी का कंकाल अलग अलग, रात में आ जाएगा तो डर जाएगा। इस लैब में यदि आप घुस गए धोखा से तो आपको भयभीत मतलब डर जाएंगे आप, क्योंकि हाँ पूरे मैं पूरे कंकाल रखा हूँ, पूरे हड्डी हड्डी है सामने में, रात में आ जाए तो नहीं डर जाएंगे। बिल्कुल। अब जब बायो पढ़ाते हैं तो लाते हैं क्लास में और एक एक हड्डी गिनवा देते हैं। गार्जियन के लिए सीसीटीवी कैमरा ऐसा लगाए हैं कि आप घर पर हो चाहे दिल्ली हो चाहे बंबई हो चाहे विदेश में हो, आप अपने बच्चे का वीडियो हमारे मेन गेट के अंदर यदि आता है तो आप देख सकते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ गया, कहाँ बैठा, किसके बगल में बैठा है, कितना ध्यान से पढ़ रहा है, सारा गार्जियन अलग अलग एंगल पे आप कैमरा लगा हुआ है जिस तरह से स्टेडियम में लगा रहता है निश्चित रूप से मेन गेट से लेकर, और अभी आप खड़े हैं तो आपका भी रिकॉर्ड हो रहा है, मेरा भी रिकॉर्ड हो रहा है, कौन गया क्लासरूम में, कौन क्या कर रहा है, यदि देख रहे होंगे कुछ तो आपका वीडियो देख रहे होंगे, मेरा वीडियो देख रहा हूं निश्चित रूप से, मतलब लाइव चल रहा है हमेशा, मतलब चलता रहता है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि इस ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने बच्चों के लिए 6 महीने तक का कंप्यूटर फ्री में सिखवा रहा हूँ। क्यों सिखवा रहा हूँ कि हमारे यहाँ कौशल विकास योजना केंद्र है, अच्छा, जिसके तहत 3 महीना तक फ्री में कंप्यूटर सिखाया जाता है और 3 महीना हम लोग अपनी संस्था की तरफ से 3 महीना सिखाते हैं, मतलब 6 महीना फ्री में बिना 1 रुपया दिए कंप्यूटर सिखाते हैं, जैसा कि अभी सिखाया आकाश कुमार भी सिखाया, तो 6 महीना तक फ्री कंप्यूटर सिखाते हैं हम। बाद में इन व्यवस्थाओं को लगाने में कठिनाई तो हुई है, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि बाहर यदि पढ़ाई करते हैं कोई बच्चे जो साधारण परिवार से भी रहते हैं, उनको बाहर जाके पढ़ना पड़ता था, पटना पढ़ना पड़ता था, कोटा पढ़ना पड़ता था, जबकि उनके गार्जियन खर्च करने में उतना अफोर्डेबल नहीं थे, लेकिन फिर भी करते थे कर्ज लेकर कुछ लेकर। इसलिए हम लोगों ने इन संस्था को ग्रामीण में अपने गाँव में व्यवस्था किया ताकि बच्चे को घर से बाहर जाकर नहीं पढ़ना पड़े, घर पर ही रह के पढ़ना पड़े, ताकि कम खर्च में पढ़ सके, साथ ही शिक्षकों के मार्गदर्शन में, गार्जियनों के मार्गदर्शन में पढ़े और जो शहर जाते हैं पढ़ने के लिए उनसे अच्छा परिणाम दे। आज हमको देखने को मिला है जो गांव में रहकर इन्हीं के बैच का बहुत लड़का जो बाहर जाके पढ़ रहे थे, कोटा जाके पढ़ रहे थे, पटना जाके पढ़ रहे थे, उनको पीछा करते हुए वह स्थान जिला टॉपर में बनाया है। हमें गर्व है कि हमने ऐसे बच्चे को पढ़ाया है। कहावत में अब न कोटा न पटना, गांव में ही होगा सबका पूरा सपना। तो आखिरी बार क्या कहेंगे आकाश, सफलता का श्रेय क्रेडिट किन्हें जाता है? पेरेंट्स को, पेरेंट्स और टीचर दोनों, और खुद सेल्फ स्टडी और फोकस रहना पड़ता पढ़ाई के लिए, तो तीनों चीज जरूरी है आई थिंक एक स्टूडेंट की लाइफ में, और देन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं एग्जाम। कितने बच्चों को अभी आप ज्ञान देते हैं? सर हमारे यहाँ तो एवरी मंथ हम लोग मतलब 40-50 बच्चे का एवरी मंथ हम लोग एडमिशन लेते हैं यहाँ पे, प्रत्येक 3 महीने पे है जो बच्चों की क्लास कंप्लीट होती है, हर महीने हम लोग नए नए बच्चे का एडमिशन लेते हैं और हर महीने हमारे यहाँ एग्जाम भी होती है। अभी पास कर लिए हम लोग को, हम लोग फ्री में कंप्यूटर प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब दैट मीन्स कंप्यूटर पढ़ाते हैं, इनका कोई चार्जेस नहीं लगता है, निःशुल्क होता है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को समझाने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, खासकर कंप्यूटर की दुनिया में? देखिए सर, ऐसा है ना कि ग्रामीण इलाके से जब भी आते हैं सभी बिहार बोर्ड से पढ़े हुए रहते हैं, तो खासतौर पे जो छोटा छोटा चीज चाहे कंप्यूटर हम जैसे पढ़ाते हैं तो इंग्लिश में सारा पॉइंट सब होता है, तो उन लोग को पढ़ने में भी समझने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, हम लोग को बहुत ज्यादा सब कुछ मतलब परेशानी तो होती ही है, लेकिन फिर धीरे धीरे उन लोगों को हम लोग सिखाते हैं और थोड़ा थोड़ा बेसिक इंग्लिश की भी जानकारी देते हैं, कंप्यूटर्स के साथ साथ हम इंग्लिश भी पढ़ाते हैं। मतलब गुरुकुल साइंस एकेडमी ज्ञान का केंद्र बन चुका है बासुपट्टी में। यहाँ पे तो साइंस के बारे में तो आपने जान ही लिया कि साइंस की पढ़ाई होती है, और साइंस के साथ नामे में जब साइंस लगा हुआ है तो क्या पूछे आपसे। हाँ, तो साइंस के साथ साथ कंप्यूटर की भी निःशुल्क पढ़ाई होती है हमारे इंस्टीट्यूट में। आकाश के बारे में क्या कहेंगे? आकाश अपनी जिंदगी में कितना विकास करेंगे, आज टॉपर बन के आपके सामने में खड़े हैं। आकाश को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने अपना माता पिता के साथ साथ हम सारे शिक्षक गणों का इन्होंने नाम रोशन किया है, और इन्होंने आगे आने वाले बच्चे को ये टारगेट दिया है कि इन्होंने जैसे जिला में टॉप 3 रैंक पे लाए हैं, तो इन्होंने आगे आने वाले बच्चे को ये टारगेट दिया है कि उनका बिहार के टॉपर लिस्ट में उनका नाम आए, तो इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी बताया कि गांव में रहकर भी टॉपर बना जा सकता है। हाँ, गांव में रहकर देखिए बच्चे अगर लगन से पढ़ाई करते हैं चाहे वो कहीं भी पढ़े, कोटा मधुबनी ये थोड़ा सा हो गया नाम के लिए कि हम वहाँ पे जाएंगे तो बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाएगा, बहुत ज्यादा चीज अचीव कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर बच्चे पढ़ने वाले हो तो वो ग्रामीण इलाके में रह करके भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, और वैसे भी आप देख ही रहे हमारे यहाँ डिजिटल बोर्ड वगैरह है, तो यहाँ पे जो बच्चे अगर रेगुलर क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं तो वो कभी मतलब कुछ फंक्शन वगैरह आप देखते ही हमारे बिहार में इतने सारे त्यौहार फेस्टिवल वगैरह होते हैं, तो बच्चे अगर एब्सेंट रहते हैं तो वैसे कंडीशन में वो अपने घर पे रिकॉर्डेड क्लास के थ्रू वो अपनी पढ़ाई को कम्प्लीट कर सकते हैं।